आजम का आला सरकारी अफसरान और सेक्रेटरीज पर बसारे बरहमी। काबीना इजलास में सेक्रेटरीज की मनमानियां खत्म कराने का फैसला कर लिया गया। काबीना इजलास के लिए सब्रियों को पेश करने की नई गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई है। मजीद जानते हैं इस हवाले से हमारे नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद हैं वकास। वकास बताइएगा क्या कहा गया वजीर आला की तरफ से। जी हाँ, वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की तरफ से इस बात का नोटिस लिया गया है कि काबीना इजलास में जो भी सेक्रेटरीज पेश होते थे वो बगैर किसी तैयारी के इजलास में पेश हो जाते थे और जिस वक्त इजलास शुरू होता था उसी दौरान ही मुख्तलिफ समरीज पेश कर देते थे, जिसके ऊपर वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने इजहार बरहमी कर दिया है और काबीना डिवीजन को ये हिदायत जारी की है कि नई गाइडलाइन जारी कर दी जाए कि मुख्तलिफ वजारतें किस तरह काबीना इजलास में अपनी समरीज पेश करेंगी। इन गाइडलाइंस के मुताबिक हर वजारत कम अज कम 7 रोज पहले काबीना डिवीजन को अपनी समरी पेश करेगी और काबीना डिवीजन इस समरी का जायजा लेने के बाद मुतालका वजारत को इन्फॉर्म करेगा कि काबीना के इजलास में ये समरी पेश होगी या फिर नहीं। अगर जो भी समरी जो मुतालका वजीर है उसको भी दिखाना लाजमी होगा और जो मुतालका इदारे हैं उनकी मुशावरत के साथ ही काबीना इजलास में समरी पेश की जाएंगी और अगर कोई इसकी खिलाफ वर्जी करेगा तो वजीर आजम ने इस बात का सख्त नोटिस लिया है और उनके खिलाफ कार्रवाई भी मुमकिन है। जी शुक्रिया वकास, आप हमें आगाह कर रहे हैं।